हेलो क्लास फोर्थ, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 9, एनिमल एंड देयर यंग वंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हियर व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। यू विल लर्न अबाउट एग लेइंग एनिमल्स, लाइफ साइकिल ऑफ एग लेइंग एनिमल्स, एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड एनिमल लुक आफ्टर देयर यंग वंस। सो लेट स्टार्ट आवर चैप्टर हियर। नंबर द स्टेजेस गिवन बिलो इन देयर करेक्ट ऑर्डर टू शो द लाइफ साइकिल ऑफ अ हेन इन ऑर्डर। Here is a picture of a life cycle of a hen, but this is not in a correct order. So first of all, we arrange them in a correct order. तो सबसे पहले क्या होता है, hen जो सबसे पहला stage होगा वो होगा egg का, क्योंकि hen सबसे पहले egg देती है। इसके बाद hen उन अंडों पर बैठकर उन्हें warm up करती है, यानी इस process को हम कहते हैं incubation। इसके बाद ये जो हैं इनको बैठकर वार्म अप करती है, तो इससे क्या होता है, इसके अंदर का जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है और वो बन जाता है चिक। तो हमारा दूसरा स्टेज बन जाता है इनक्यूबेशन का। इसके बाद हैं जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होकर हेन बन जाता है और थोड़े ही दिनों में ये हैच आउट होकर, हैच आउट यानी कि एग सेल को बाहर निकल कर जब चिक तोड़ कर जब चिक बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं हैच आउट होना। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेज। और पूरी तरह से बड़ा होने के बाद चिक जब बहुत अच्छी तरह से बड़ा हो जाता है और बाहर आता है तो ये एक ग्रोन चिक हमें दिखाई देता है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेज। थोड़े दिनों बाद ये चिक बड़ा हो जाता है और दोबारा ये एक एडल्ट हेन बन जाता है। चलिए हम अपना चैप्टर आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एनिमल रिप्रोड्यूस बाई टू मैथड, बाई लेइंग एग्स एंड बाई गिविंग बर्थ टू यंग वंस। तो जो अपने जैसे बच्चों को जन्म देने के जो प्रोसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे बच्चों को जन्म देने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय टू मेथड्स, जो जानवर होते हैं वो दो तरह से अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, बाय लेइंग एग्स यानी कि अंडे देकर और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, और अपने जैसे बच्चों को डायरेक्टली जन्म देकर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एग लेइंग एनिमल्स के बारे में। मैनी एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, द एग्स आर आइदर कैप्ट इन वार्म प्लेस और द पेरेंट एनिमल सीट ऑन दैम टू कीप द एग्स वॉर्म। जो जानवर हैं, बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो कि अंडे देकर अपने बच्चों अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। द एग्स आर आइदर कैप्ट इन ए वॉर्म प्लेस, तो जब अंडे देते हैं वो या तो उन्हें गर्म जगह में रखा जाता है या जो पेरेंट एनिमल होते हैं वो उनके ऊपर बैठ कर उन अंडों को गर्म करते हैं। वंस द एग्स मेच्योर द यंग वंस हैच आउट, जब अंडा मेच्योर हो जाता है तो वह बच्चे के रूप में अंडे को तोड़कर बाहर आ जाता है। एनिमल दैट ले एग्स इंक्लूड बर्ड्स, फ्रॉग, फिश, टर्टल, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, स्नैक, कॉकरोच, बटरफ्लाई, बी, मॉस्किटो एंड ग्रासहॉपर। ये सारे जो एनिमल्स हैं वो अंडे देते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट हाउ बर्ड्स रिप्रोड्यूस, आगे हम पढ़ेंगे कि बर्ड्स किस तरह से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, किस तरह से रिप्रोड्यूस ये करते हैं। आइए हम देखते हैं इससे पहले कि इस फैक्ट फाइल में क्या लिखा है। द हैबिट ऑफ सम एनिमल इज सीट ऑन देयर एग टू कीप द एग वॉर्म इज कॉल्ड इनक्यूबेशन। जानवर जो कि अंडे देने के बाद उन पर बैठकर उन्हें जो गर्म करते हैं तो उस प्रोसेस को हम इनक्यूबेशन कहते हैं। इनक्यूबेशन करने से क्या होता है, जो अंडे के अंदर का एम्ब्रियो है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप होता है और बहुत जल्दी डेवलप होता है। चलिए हम आगे पढ़ें अपना चैप्टर। हमने क्या पढ़ा था कि हमें आगे क्या पढ़ना है कि बर्ड्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, सभी बर्ड्स रिप्रोड्यूस अंडे देकर करते हैं। मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज टू ले देयर एग्स एंड टू रेज देयर यंग वंस। सभी बर्ड अंडे देते हैं और मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं वो अब पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं ताकि वो अपने अंडे वहाँ दे सकें और अपने बच्चों को वहाँ पर बड़ा कर सकें। पार्ट्स ऑफ अ बर्ड्स एग, जो अंडा होता है उसके पार्ट्स के बारे में हम अब पढ़ेंगे। एन एग हैज़ थीन प्रोटेक्टिव सेल कॉल्ड द एग सेल,
अंडे के ऊपर एक बाहरी आवरण होता है जिसे हम प्रोटेक्टिव सेल कहते हैं, वो थोड़ा सा हार्ड होता है। विद इन द एग सेल इज वाइट जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एल्ब्यूमिन। ठीक इस एग सेल के अंदर जो वाइट कलर का जेली की तरह का सब्सटेंस होता है उसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, विच इज रिच इन प्रोटीन। और इसमें प्रोटीन की बहुतायत यानी प्रोटीन की प्रचुरता होती है, यानी कि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। द येलो इनर पार्ट ऑफ द एग इज द योक एंड इट इज रिच इन फैट्स विटामिंस एंड मिनरल्स। एग का जो इनर मोस्ट पार्ट होता है वो योक कहलाता है, वो पीले रंग का होता है और उसमें फैट विटामिंस और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। द योक कंटेन फूड फॉर द ग्रोइंग बेबी और द एम्ब्रियो। इसी योक में जो ग्रोइंग बेबी एम्ब्रियो होता है, जो अंडे के अंदर एम्ब्रियो होता है, उनके लिए फूड जमा रहता है। द एम्ब्रियो डेवलप इनटू अ चिक और फिर एम्ब्रियो डेवलप होकर चिक बन जाता है। विद इन द एग द एम्ब्रियो गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस टू डेवलपमेंट बिफोर द एग हैचेस एंड द चिक कम्स आउट। अंडे के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो बहुत सारे स्टेजेस जो डेवलपमेंट के हैं वो पार करता है और उसके बाद वो हैच आउट होकर बाहर निकलता है और चिक बन जाता है। द चिक देन ग्रोज इनटू एन एडल्ट और इसके बाद चिक थोड़े दिनों में बड़ा होकर एडल्ट हीन बन जाता है। वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू अ मैच्योर एडल्ट इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल। तो जो बहुत सारे स्टेजेस डेवलपमेंट के होते हैं, बड़े होने के जो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जिनके दौरान एक एग और उसके अंदर का एम्ब्रियो और फिर एम्ब्रियो से एक मैच्योर एडल्ट के रूप में बड़ा हो जाना, बन जाना, यही कहलाता है एनिमल का लाइफ साइकिल यानी एनिमल्स का जीवन चक्र। आइए हम देखते हैं कि एग के बारे में हम इसके जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो सबसे पहला जो होता है इसका जो पार्ट होता है वो होता है एग सेल, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है एग सेल। ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है और ये बाहर का आवरण आपने शायद देखा भी होगा कि वाइट कलर का होता है, ये आवरण थोड़ा सा हार्ड होता है। और क्यों? क्योंकि ये जो योक के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है एल्ब्यूमिन, जो वाइट जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम वाइट पार्ट भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो थर्ड पार्ट हमारा हो गया वो हो गया है हमारा योक, जैसा कि लिखा है इसमें। ये किस कलर का होता है? ये होता है येलो, ये होता है येलो कलर का। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है? इसमें बहुत ज़्यादा होता है फैट होता है, इसमें विटामिन्स होता है, विटामिन्स होता है और क्या होता है इसमें? मिनरल्स भी होता है। इसके बाद ये क्या करता है? ये जो योक है ये क्या करता है? इसमें बहुत सारा फूड कंटेन रहता है। किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, और यही एम्ब्रियो बड़ा होकर क्या बन जाता है? ये एम्ब्रियो डेवलप होता है और ये बन जाता है चिक। ठीक है, फिर वो हैच आउट होता है और अच्छे से चिक बना हुआ बाहर आता है और थोड़े दिनों बाद ये चिक क्या बन जाता है? ये एक एडल्ट हेन हो जाता है और यही कहलाती है इस एनिमल्स की लाइफ साइकिल। ठीक है, फिर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम देखें कि इस लेट्स डिस्कस में क्या लिखा है। व्हाई डू बर्ड्स नीड टू मेक देयर नेस्ट। बर्ड्स अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? ताकि वो उनमें अंडे दे सकें और अपने बच्चों को बड़ा कर सकें। आइए हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एग लेइंग एनिमल्स के बारे में। लेट अस लर्न अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ सम एग लेइंग एनिमल्स। द मदर हेन लेज एग इन हर nest and sit on them to keep them warm. This helps the embryo to develop better and faster.
यानी जो मदर हेन होती हैं वो अंडे देती हैं, उसके बाद उस अंडों को गर्म करने के लिए उनके ऊपर बैठ जाती हैं। इससे क्या होता है, जो उनके अंदर एग के अंदर जो एम्ब्रियो है वो अच्छी तरह से डेवलप होता है, बहुत बढ़िया ढंग से और बहुत जल्दी। वंस द एम्ब्रियो विद इन द एग हैज़ डेवलप्ड इन टू अ चीक, द चीक ब्रेक द सेल टू कम आउट। जब क्या होता है, एम्ब्रियो जब अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है तो वो चीक बन जाता है उसके अंदर, और चीक थोड़े ही दिनों में एग सेल को यानी अंडे को तोड़कर बाहर आ जाता है, हैच आउट हो जाता है वो। तो दिस इज कॉल्ड हैचिंग, जब वो एग सेल को तोड़कर बाहर निकल आता है इसको हम क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। द यंग चीक देन ग्रो अप टू बिकम एन एडल्ट, इसके बाद जो यंग चीक ग्रो अप हो जाता है और उसके बाद एडल्ट हेन बन जाता है। यहाँ देखिए हम देखेंगे कि इसकी जो लाइफ साइकिल के बारे में हम एक बार दोबारा से आप देखिए कि जो हैन होती है वो सबसे पहले क्या देती है, एग। इसके बाद वो उन एग को क्या करती है, वार्म अप करती है, जिनको हम क्या कहते हैं, इनक्यूबेशन। यहाँ मैं लिख नहीं पाऊंगी, तो ये हेन है, इसके बाद ये क्या होगा, हाँ जी चलिए ये देखिए हेन है, ये देती है एग, इसके बाद ये उन अंडों के ऊपर बैठ जाती है जिनको हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन। तो ये इंक्यूबेशन होता है जिसमें वो अपने अंडों के ऊपर बैठकर उनके अंदर के एम्ब्रियो को डेवलप करती है। इसके बाद एक बार जब ये एग डेवलप हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये एग सेल को तोड़कर चिक जो है वो हैच आउट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद थोड़े दिनों में ये चिक जो होता है ग्रो अप हो जाता है और पूरी तरह से चिक बनकर ये बाहर आ जाता है, और फिर क्या होता है, ये चिक थोड़े दिनों में बड़ा होता है और फिर क्या बन जाता है, एक एडल्ट हेन बन जाता है। तो ये है हेन की लाइफ साइकिल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। अ फ्रॉग लेज एग इन वाटर इन लार्ज क्लस्टर कॉल्ड स्पॉन्स, यानी जो फ्रॉग होता है वो पानी में अपने अंडे देता है और ये एक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए जो ये इनका जो लार्ज क्लस्टर है वो क्या कहलाता है, वो स्पॉन्स कहलाता है। ये स्पॉन्स आपको याद करना जरूरी है क्योंकि आगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, या ये वन वर्ड के क्वेश्चन में भी हमेशा आते हैं। अ टैडपोल हैचेस आउट ऑफ द एग विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट फ्रॉग, इट अंडरगोज सेवरल चेंजेस थ्रू अ प्रोसेस नोन एज मेटामोफोसिस बिफोर इट बिकम एन एडल्ट। जो फ्रॉग होता है ये पानी में अपने अंडे देता है और ये बहुत ज़्यादा होता है, जिनको हम स्पॉन्स कहते हैं। ये क्या होता है, इसके बाद जो ये अंडों में से जो बाहर आता है उसे हम कहते हैं टैडपोल, जो कि एक अंडे से हैच आउट होकर बाहर निकलता है। विच लुक वेरी डिफरेंट, ये बिल्कुल अलग सा दिखता है एक एडल्ट फ्रॉग से। आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये जो फ्रॉग है एडल्ट फ्रॉग, ये पानी में अंडे देता है, तो देखिए अंडे कैसे होते हैं और एक एग देखिए कैसा दिखता है, ठीक है। और जब ये हैच आउट होकर, इन एग्स में से हैच आउट होकर जो टैडपोल बाहर निकलता है उसके देखिए ये पूंछ भी दिख रहे हैं, बिल्कुल ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जैसे फ्रॉग का टैडपोल हो, या ये टैडपोल बड़ा होकर इस तरह का एडल्ट फ्रॉग बनेगा, यानी ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसके थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, जो टैडपोल है वो थोड़ा बड़ा होता है और उसके लेग्स बाहर आने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके देखिए लेग्स बाहर आने लगते हैं और इसके बाद क्या होता है, इनकी जो ये लंबी सी पूंछ दिखाई दे रही है ना, ये पूंछ धीरे धीरे छोटी होने लगती है। जो पूंछ है देखिए, आप देखिए फ्रॉग का पूंछ नहीं होता, बट जब ये ग्रो हो रहा होता है तब इनके पूंछ भी दिखाई देते हैं, ठीक है। और जब ये टैडपोल थोड़ा और बड़ा होता है तो ये पूंछ इसकी जो है वो छोटी होने लग जाती है, और फाइनली जब फ्रॉग एडल्ट हो जाता है तो इसकी पूंछ बिल्कुल ही
गायब हो जाती है। यानी इनका जो लाइफ साइकिल है एग से एडल्ट होने तक में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे चेंजेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अ कंप्लीट चेंज फ्रॉम अ यंग फॉर्म टू एन एडल्ट फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। आइए हम पढ़ते हैं हम बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में। द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई अलोसो मेटामॉर्फोसिस। ये इनका जो लाइफ साइकिल है वो भी मेटामॉर्फोसिस होता है, क्योंकि इनके भी जो चेंजेस होते हैं वो बिल्कुल एकदम एक दूसरे से अलग होते हैं। इनके जो डेवलपमेंट के जो स्टेजेस होते हैं वो भी बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनके भी लाइफ साइकिल को हम मेटामॉर्फोसिस ही कहते हैं। द कैटरपिलर दैट कम्स आउट फ्रॉम द एग लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ फुली ग्रोन बटरफ्लाई। आइए हम देखते हैं बटरफ्लाई की लाइफ प्रोसेस क्या है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, ये सबसे पहले देखिए क्या होता है कि बटरफ्लाई एग देती है अपने एग पत्तों के ऊपर। थोड़े दिनों में पत्तों में से कैटरपिलर जो ये एग है वो हैच आउट हो जाते हैं, और हैच आउट करके जो ये कैटरपिलर है वो बाहर आता है, और ये उन पत्तों के ऊपर होता है क्योंकि ये, तो ये उन पत्तों को ही खाना शुरू करता है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि जब ये एग हैच आउट होकर कैटरपिलर के रूप में जब ये बाहर आ जाता है तब क्या करता है, ये सबसे पहले अपने उसी एग सेल को खा जाता है जिसको हैच आउट करके ये बाहर आता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये पत्ते तो खाता ही खाता है, साथ ही वो अपने एग सेल को भी खा जाता है। इसके बाद ये बहुत खाता है, पत्ते बहुत ज़्यादा खाता है। इसके बाद क्या हो जाता है, इसे नींद आने लगती है, ठीक है, और नींद आती है तब ये क्या करता है, जो कैटरपिलर और लार्वा एक ही होता है। देखिए ये क्वेश्चन भी आने वाला है, क्योंकि लार्वा और कैटरपिलर एक ही को बोलते हैं, एक ही होता है वो, एक ही स्टेज है, ठीक है। यानी एग के बाद लार्वा कह लीजिए या कैटरपिलर कह लीजिए, वो एक ही बात होती है। इसके बाद ये बहुत सारा पत्ते खाता है अपने कैटरपिलर वाले स्टेज में, लार्वा वाले स्टेज में। इसके बाद क्या होता है, ये कैटरपिलर बड़ा होने लगता है और ये इसको नींद आने लगती है। फिर ये क्या करता है, ये एक पेड़ की टहनी से अपने आप को चिपका लेता है या लटक जाता है, और अपने बाहर ये एक स्ट्रक्चर सा बना लेता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ऐसा लगता है जैसे इसने अपने आप को धागों में लपेट लिया हो, उसको हम कहते हैं कोकुन। इसके बाद क्या होता है, ये उसमें कुछ 10-15 दिन रहता है और फिर ये बड़ा हो जाता है। अच्छा, ये हाँ भी एक बात मैं आपको बताऊंगी, जो ये कैटरपिलर है ये क्या करता है, जब ये प्यूपा बनने जाता है, यानी जब इसको नींद आने लगती है और जब ये सोने लगता है, ये इसको इस स्टेज को इसको प्यूपा कहते हैं। तो जब ये प्यूपा बनता है ना, जब पेड़ से अपने आप को चिपका के और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाकर अपने आप को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट कर लेता है, अपने आप को सेफ कर लेता है और गहरी नींद सो जाता है ना, तो क्या करता है, ये जो कैटरपिलर है वो अपने ओल्ड स्किन को छोड़कर ही प्यूपा बनता है, अपने ओल्ड स्किन को छोड़कर ये प्यूपा बनता है। इस दौरान ये कई बार अपने स्किन को चेंज करता है प्यूपा बनने से पहले, ठीक है। फिर ये जब प्यूपा बन जाता है तब थोड़े दिनों बाद ये ग्रो होता है और एक बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई बन जाता है। जब ये जागता है तो क्या होता है, ये बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई बन जाता है। थोड़े दिनों में ये एक एडल्ट बटरफ्लाई बन जाता है। तो आपने क्या देखा कि एक बार मैं दोबारा से आपको बताऊं कि सबसे पहले ये जो बटरफ्लाई है खूबसूरत सी रंगीन सी है ना, तो ये क्या करती है, अपने अंडे देती है पत्तों के ऊपर, फिर ये जो पत्ते हैं वो जो ये अंडे हैं ये बड़े होने लगते हैं और ये हैच आउट होकर कैटरपिलर या लार्वा के रूप में बाहर आते हैं। फिर ये लार्वा बहुत ज़्यादा पत्ते खाता है और अपने एग सेल को भी खा जाता है। इसके बाद ये अपने ओल्ड स्किन को छोड़ देता है और प्यूपा बन जाता है। इसे नींद आने लगती है, ये पेड़ से अपने आप को चिपका लेता है और अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कोकून कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये ग्रो अप हो जाता है और ग्रोन होने के बाद क्या होता है, ये एक एडल्ट बटरफ्लाई बन जाता है। ये है इनकी लाइफ प्रोसेस।
आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ये जो लार्वा जब अपनी स्किन को अपने ओल्ड स्किन को छोड़कर प्यूपा बनने लगता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉल्टिंग। दिस प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मॉल्टिंग। अपने ओल्ड स्किन को छोड़ने को हम क्या कहते हैं? मॉल्टिंग कहते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि फैक्ट फाइल में क्या लिखा है। द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगट। जो हाउस फ्लाई का जो लार्वा होता है मैगट कहलाता है। अ बेबी कॉकरोच इज कॉल्ड अ नेम। और बेबी कॉकरोच क्या कहलाता है? नेम कहलाता है। यहाँ देखिए हमारे साइंटिस्ट के बारे में है जिनका नाम है आइजिक डेविड कैमकर। इनको बटरफ्लाई मैन के नाम से जाना जाता था क्योंकि इन्होंने बटरफ्लाईज और उनकी लाइफ के बारे में बहुत सारे रिसर्च किए थे और बहुत सारी जानकारियाँ हमें दी थी। इसलिए इस कारण इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें बटरफ्लाई मैन के नाम से जाना जाता है। लेबल द पार्ट्स ऑफ एग करेक्टली देन राइट द करेक्ट नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो वाइट जेली लाइक, यहाँ देखिए नंबर वन में क्या है? नंबर वन में है एल्ब्यूमिन। और नंबर टू में क्या है? एग शेल, यानी जो बाहरी उसका लेयर होता है, जो हार्ड लेयर होता है, आउटर कवरिंग जो होता है वो होता है एग सेल। नंबर थ्री क्या है? योक। तो आइए अब हम इसको नंबर में लगाएं। अ वाइट जेली लाइक सबस्टांस क्या होगा? इसमें देखिए एल्ब्यूमिन लिखना है हमने, तो इसके लिए क्या है? नंबर वन देखिए लिखा हुआ है पेंसिल से, दिस इज प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द एग। प्रोटेक्टिव लेयर कौन सा है? नंबर टू यानी एग सेल। इट इज द इनर मोस्ट पार्ट यानी योक, तो योक के लिए नंबर थ्री है। इट इज़ रिच इन प्रोटीन। प्रोटीन में रिच क्या होता है? एल्ब्यूमिन। तो देखिए यहाँ एल्ब्यूमिन वन लिखा हुआ है यहाँ पे। इट इज़ रिच इन फैट एंड वाइटामिन। इट इज़ रिच इन फैट वाइटमिन एंड मिनरल्स, वो हो जाएगा नंबर थ्री यानी योक होता है वो। इट कॉन्टेंस फूड फॉर द ग्रोइंग बेबी। ग्रोइंग बेबी के लिए फूड कॉन्टेन रहता है इसमें यानी योक में रहता है। यहाँ पे ये नंबरिंग गलत है क्योंकि ये मेरे बेटे ने कर रखा है, ये मेरे बेटे की बुक है तो उसने यहाँ पे ये नंबरिंग गलत की। चलिए मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पे आएगा नंबर सिक्स में इट कॉन्टेन फूड फॉर ग्रोइंग बेबी, तो इसमें आएगा योक वाला पार्ट और योक के लिए क्या नंबर है? नंबर थ्री। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने पढ़ा था एग लेइंग एनिमल्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। सम एनिमल डू नॉट ले एग्स। कुछ जानवर अंडे नहीं देते। दे प्रोड्यूस बाई गिविंग बर्थ टू यंग वंस दैट फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क। कुछ जानवर अंडे नहीं देते, वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं और वे बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं। मैमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल्स। मैमल जो होता है वो इसी तरह के जानवर का एक उदाहरण है, यानी कि इस तरह जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और अपने अपना दूध अपने बच्चों को पिलाते हैं उन्हें हम कहते हैं मैमल्स। मैमल्स हैव वेरी वेल डेवलप्ड ब्रेन। मोस्ट मैमल हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। जो मैमल्स होते हैं उनके पास वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है, यानी उन्हें उनमें सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है। वो हर चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं, कहाँ डेंजर है कहाँ नहीं है, अपने बच्चों को कैसे पालना है, उन्हें कैसे रखना है ना। तो ये सब बातें वो सोच समझ सकते हैं, यानी उनके पास वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है। साथ ही उनकी बॉडी पर हेयर होता है। ह्यूमन बींग्स अलोंग विथ डॉग कैट लॉयन एलिफेंट डियर काउ बफेलो हिप्पोपोटामस जेब्रा जिराफ मंकी एंड रैबिट आर सम एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स। ये सारे जो हैं ये क्या कहलाते हैं? मैमल्स कहलाते हैं क्योंकि ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें अपना दूध भी पिलाते हैं। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स फाउंड इन वाटर बट दे डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। जो वेल और डॉल्फिन होते हैं वो भी मैमल होते हैं क्योंकि वे भी अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन उनकी बॉडी पर हेयर नहीं होता है। आइए हम देखें फैक्ट फाइल में क्या लिखा है। सम मैमल्स सच एज डक बिलेड प्लेटिपस एंड स्वाइनी एंट ईटर डू नॉट गिव बर्थ टू बेबीज, दे ले एग्स इंस्टेड। ये कुछ जो एनिमल्स हैं ये मैमल्स होते हुए भी अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं देते, बल्कि ये क्या देते हैं? ये एग देते हैं। मोस्ट मैमल लिव ऑन लैंड एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। कुछ जो मोस्टली जो मैमल्स होते हैं, ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं वो ज़मीन पे रहते हैं और लंग्स से सांस लेते हैं। डू यू नो हाउ अ व्हेल और अ डॉल्फिन ब्रीथ।
कि आप जानते हो कि वेल और डॉल्फिन किस तरह सांस लेते हैं। वेल एंड डॉल्फिन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये भी लंग्स से ही सांस लेते हैं। दे टेक इन एयर थ्रू ब्लो होल प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड, इनके हेड के ऊपर ब्लो होल होता है जिसके थ्रू ये एयर लेते हैं। हेंस दे हैव टू कम टू द सर्फेस ऑफ वाटर फ्रिक्वेंटली टू ब्रीथ इन एयर, यही कारण है कि ये पानी की सतह से ऊपर बार बार आते हैं हवा लेने के लिए। आपने देखे होंगे वेल और डॉल्फिन जो होते हैं वो जो समुद्र में बार बार वो ऊपर आते हैं, वो क्यों आते हैं, ताकि वो ब्लो होल से एयर को ले सकें और उससे वो सांस ले सकें, क्योंकि ये भी किससे सांस लेते हैं, ये मैमल्स की तरह लंग्स से ही सांस लेते हैं। आइए हम देखते हैं एनिमल लुक आफ्टर देयर यंग वंस, कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस यानी अपने बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, उनका ध्यान कैसे रखते हैं। जस्ट एज आर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस, जस्ट एज आर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस, ऑल अदर मैमल्स लुक आफ्टर देयर बेबीज, मोस्ट ऑफ दैम बिल्ड हाउस टू प्रोटेक्ट देयर बेबीज फ्रॉम एनिमीज एंड ऑल्सो हंट फॉर फूड। हमारे पेरेंट्स की तरह ही, जैसे हमारे मम्मी पापा हमारी देखभाल करते हैं, ठीक ऐसे ही जो मैमल्स होते हैं ये भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। इनमें से ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, घर बनाते हैं, ताकि अपने बच्चों को दुश्मनों से, ये एनिमीज से या अदर डेंजर से उन्हें बचा सकें, और साथ ही ये उनके लिए फूड्स भी उनको उनके लिए लाते हैं। द मदर फीड हर बेबीज़ हर ओन मिल्क, जो मदर होती हैं वो अपने बच्चों को फीड करती हैं, अपने बच्चों को दूध अपना पिलाती हैं। सी क्लीन्स दैम एंड कीप दैम वॉर्म, वो अपने बच्चों को साफ़ सुथरा भी रखती हैं और उन्हें गर्म भी रखती हैं। बर्ड्स टू लुक आफ्टर देयर बेबीज़, बर्ड्स भी अपने बच्चों की देखभाल इसी तरह करती हैं। दे बिल्ड नेस्ट टू कीप दैम वॉर्म, वो अपने बच्चों के लिए नेस्ट बनाती हैं। दे बिल्ड नेस्ट, वो घोंसला बनाती हैं ताकि अपने बच्चों को उसमें वो गर्म रख सकें। सिंस द चिक्स कैन नॉट फ्लाई, पेरेंट बर्ड्स गेट फूड फॉर देयर चिक्स। जब तक ये जो चिक्स हैं वो उड़ नहीं पाते हैं, तब तक क्या करते हैं, जो पेरेंट्स बर्ड हैं वो उनके लिए भोजन लेकर आते हैं। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी डेंजर, और साथ ही वो क्या करते हैं, उनको किसी भी तरह के डेंजर से उनकी रक्षा करते हैं। आइए हम देखते हैं अब कीवर्ड्स क्या क्या है। ये रिप्रोडक्शन, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड, यानी अपने जैसे बच्चों को जन्म देना कहलाता है रिप्रोडक्शन। लाइफ साइकिल क्या होती है, द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ लिविंग बीइंग फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू अ मैच्योर एडल्ट इज कॉल्ड द लाइफ साइकिल, यानी लाइफ साइकिल क्या होती है, जीवन चक्र, जो बहुत सारे डेवलपमेंट के जो बहुत सारे स्टेजेस को पार करते हैं, एक एग या एम्ब्रियो से लेकर एक एडल्ट होने तक के जो डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं उनको हम कहते हैं एनिमल्स की लाइफ साइकिल। कैटरपिलर लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर, जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है वही कैटरपिलर कहलाता है। मेटामॉर्फोसिस का क्या होता है, ए कम्प्लीट चेंजेस फ्रॉम अ यंग फॉर्म टू एन एडल्ट फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। एक कम्प्लीट चेंज, जो कि एक यंग फॉर्म से एडल्ट होने तक के जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं और जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं उनको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मॉल्टिंग क्या होते हैं, द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मॉल्टिंग, जो पुराने अपने स्किन को छोड़कर नए स्किन, जैसे कि ये जो कैटरपिलर या लार्वा जो अपने ओल्ड स्किन को छोड़कर जो प्यूपा बन जाता है उसको हम कहते हैं मॉल्टिंग। चलिए हम देखते हैं इनके एक्सरसाइज। बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, क्या लगाएंगे इसमें, लेइंग एग्स वाला होगा। बर्ड बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज टू वार्म देयर एग्स भी हो सकता है और ले देयर एग्स भी हो सकता है, तो आप इसमें से कोई भी लगा सकते हैं, आप वार्म लगा दीजिए। द येलो इनर पार्ट ऑफ द एग इज द योक, डैश हेल्प्स द एम्ब्रियो इनसाइड द एग टू डेवलप बेटर एंड फास्टर, तो इसमें हो जाएगा वार्म्थ। अ फ्रॉग लेज एग इन लार्ज क्लस्टर कॉल्ड स्पॉन्स हो जाएगा इसमें।
मोस्ट मैमल हैव हेयर हो जाएगा ऑन देयर बॉडी. आइए हम देखते हैं नंबर बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ दिस पार्ट इज रिच इन प्रोटीन. रिच इन प्रोटीन, तो रिच इन प्रोटीन हो जाएगा एल्ब्यूमिन. ये रॉन्ग है, ये मेरे बेटे ने कर रखा है, ये रॉन्ग है. प्रोटीन आएगा इसका आंसर. विच ऑफ दिस एनिमल ले एग्स टू रिप्रोड्यूस. बर्ड एंड इंसेक्ट भी एग देते हैं, फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल भी देते हैं, टर्टन एंड लिजार्ड भी देते हैं, यानी इसमें इस वाले में होगा ऑल ऑफ दिस. व्हेन एन एनिमल अंडरगोस सेवरल चेंजेस थ्रू इट्स ग्रोइंग प्रोसेस इट इज सेड टू हैव अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस होगा. क्योंकि ये कंप्लीट चेंजेस, बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस होते हैं डेवलपमेंट में, तो इनको हम मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं. विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. कौन सा पार्ट इसमें बटरफ्लाई के लिए नहीं होता, कौन सा ये जो पार्ट है वो जो लाइफ साइकिल नहीं है बटरफ्लाई की. द एडल्ट ले एग्स इन लार्ज क्लस्टर कॉल स्पॉन. ये तो फ्रॉग की होती है, ये बटरफ्लाई की नहीं होती. द प्यूपा चेंजेस इन टू एन एडल्ट, ये होता है. द कैटरपिलर शेड इट्स स्किन एंड फॉर्म अ प्यूपा, ये भी होता है. ऑल ऑफ दिस, ये भी गलत है. तो क्या होगा इसमें हम लगाएंगे, सबसे गलत इसमें सबसे रॉन्ग क्या है, नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. तो क्या है, ये है फ्रॉग का, तो ये वाला लगाएंगे हम, नंबर वन वाला, नंबर ए वाला. विच ऑफ दिस मैमल डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज. एलिफेंट एंड जिराफ के होते हैं बॉडी पे हेयर, जिराफ एंड जेब्रा के भी होते हैं, लॉयन एंड टाइगर के भी होते हैं. किसके नहीं होते, नहीं होते हैं वेल एंड डॉल्फिन के. चलिए हम आगे बढ़ें. और अब हम करेंगे विच ऑफ दीज रेफर टू लार्ज क्लस्टर इन विच अ फ्रॉग ले एग्स. ये हो जाएगा टेडपोल. विच ऑफ दीज रेफर्स टू लार्ज क्लस्टर इन विच अ फ्रॉग लेज एग. जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा, और देखिए ये क्वेश्चन आ गया. तो क्या कहलाता है, इनके जो एग्स बहुत ज़्यादा क्लस्टर में, बहुत ज़्यादा संख्या में, ग्रुप में होते हैं, तो इनके अंडों को क्या कहा जाता है, स्पॉन कहा जाता है. इनके एग्स के जो लार्ज क्लस्टर होते हैं उनको स्पॉन कहा जाता है फ्रॉग्स के. विच ऑफ दीज स्टेज डज द कैटरपिलर बिलोंग टू. कैटरपिलर कौन से स्टेज को बिलोंग करता है, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, नॉन ऑफ दिस. तो लार्वा और कैटरपिलर एक ही होता है ना, तो एक ही स्टेज, एक ही क्या कहते हैं, एक ही स्टेज होता है कैटरपिलर और लार्वा का, तो इसमें लार्वा हम लगाएंगे. विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू अबाउट मैमल. मैमल के बारे में क्या ट्रू नहीं है, दे हैव हेयर ऑन देयर स्किन, ये ट्रू है ना. इसके बाद दे हैव हेयर ऑन देयर स्किन ट्रू है, तो टी लगा देंगे. दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन, ये भी ट्रू है, ठीक है. इसके बाद दे मोस्टली मल्टीप्लाइड बाई गिविंग बर्थ टू यंग वंस, ये भी ट्रू है. इसके बाद नॉन ऑफ दीज, ये फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. इसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड, ये क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन. क्या कहलाएगा ये, रिप्रोडक्शन. इसके बाद दूसरे में देखिए, वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू अ मैच्योर एडल्ट इन द लाइफ ऑफ एनिमल, लाइफ साइकिल कहलाएगा ये. ये कहलाएगा लाइफ साइकिल, LIFE, लाइफ, CYCLE, ये हो गया सेकंड का हमारा, ठीक है. नंबर थ्री में देखिए, नंबर थ्री में अ कंप्लीट चेंज फ्रॉम अ यंग फॉर्म. नंबर थ्री में देखिए, अ कंप्लीट चेंज फ्रॉम अ यंग फॉर्म टू एन एडल्ट फॉर्म इज कॉल्ड, ये मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद नंबर फोर में हो गया मेटामॉर्फोसिस. इसके बाद नंबर फाइव में, एनिमल दैट रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस हु फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क, ये हो जाएगा मैमल्स. ठीक है,
अब चलिए हम देखते हैं अगला. गिव टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. एग लेइंग एनिमल्स में हम लिख सकते हैं बर्ड्स, बर्ड्स और फिश लिख दीजिए. ठीक है. एनिमल दैट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस में कौन कौन जाते हैं? मेटामॉर्फोसिस में जाते हैं बटरफ्लाई, बटरफ्लाई हो जाएगा और बटरफ्लाई के साथ फ्रॉग हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद है मैमल्स. मैमल्स कौन कौन से होते हैं? इसमें आप कैट लिख सकते हैं, डॉग लिख सकते हैं, कैट और डॉग. इसके बाद है मैमल्स फाउंड इन वाटर. मैमल्स फाउंड इन वाटर तो वेल एंड डॉल्फिन आ जाएगा, वेल और डॉल्फिन. तो ये हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होता है और हम अब अपने नेक्स्ट वीडियोस के साथ आपसे मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको पढ़ने में ये आसानी हुई हो, समझने में आसानी हुई हो. तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, एंड बाय बच्चों.